उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक है। अगले वर्ष नई सरकार बनेगी और यूपी को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। इसी क्रम में पत्रिका उत्तर प्रदेश अपने पाठकों के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों से जुड़े कुछ किस्से लेकर आया है, जिसमें उनके अब तक के कार्यकाल और राजनीतिक करियर की बातें बताई जाएंगी। पूर्व मुख्यमंत्री के किस्सों की सीरीज में पेश है उस महिला की कहानी जिन्हें यूपी की परफेक्ट विमेन पॉलिटिशियन माना जाता है। बात है बसपा सुप्रीमो मायावती की। मायावती प्रदेश के इतिहास में चार बार मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचने वाली नेता हैं। इसी के साथ वह देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री भी हैं। 15 जनवरी 1956 में गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर में मायावती का जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ। उनके पिता दूरसंचार विभाग में क्लर्क के पद पर तैनात थे। माँ रामरती ने अनपढ़ होने के बाद भी बच्चों को शिक्षा दिलाई। इनके 6 भाई और 2 बहनें हैं। दलित परिवार से आते हुए भी उनके परिवार में शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया। मायावती बचपन में आईएएस अफसर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजनीति में रुझान आया और कांशीराम से संपर्क में आने के बाद उन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली। 1984 में बहुजन समाज पार्टी के गठन के बाद मायावती शिक्षिका की नौकरी छोड़कर पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गईं। उसी साल उन्होंने मुजफ्फरनगर जिले की कैराना लोकसभा सीट से अपना पहला निर्दल चुनाव अभियान आरंभ किया और खूब प्रचार किया, लेकिन उन्हें अख्तर हुसैन से हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में मायावती ने 44,445 वोटों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद 1985 में बिजनौर के उपचुनाव में मायावती का वोट बैंक तो बढ़ा, लेकिन यहाँ भी तीसरे स्थान पर ही रहीं। बसपा सुप्रीमो राजनीति में धीरे धीरे अपने पांव पसार रही थी। 1987 में हरिद्वार सीट से एक बार फिर चुनाव लड़ी। वह 1,25,399 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं। मायावती को लगातार हार मिल रही थी, लेकिन 1989 का चुनाव, जिसमें बदलाव की बयार बह रही थी, माना जा रहा था कि यह चुनाव देश की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा। इस चुनाव में यूपी की बिजनौर सीट से मायावती ने पहली बार जीत का स्वाद चखा। बसपा 3 सीटों से जीती थी। लोकसभा चुनाव के साथ होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बसपा ने 13 सीटें हासिल की थीं। 1993 में यूपी का विधानसभा चुनाव मायावती के लिए किस्मत पलटने वाला साबित हुआ था। इस चुनाव में पहली बार सपा से गठबंधन कर बसपा ने 67 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बाद में 1995 में एसपी के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी और अन्य दलों के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी थी मायावती। तब उनका कार्यकाल सिर्फ 4 महीने का था। दूसरी बार 1997 और तीसरी बार 2002 में मायावती मुख्यमंत्री बनी और तब उनकी पार्टी बीएसपी का बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ। अब बात करते हैं मायावती की सोशल इंजीनियरिंग की। तो 2007 में मायावती ने ब्राह्मण नेताओं को पार्टी से जोड़ा था, उन्हें प्रमोट किया और उन्हें टिकट बांटे। सोशल इंजीनियरिंग के तहत 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय और हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है का नारा दिया था। इसी का नतीजा था कि बीएसपी ने पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की और मायावती मुख्यमंत्री बनी। 2007 के विधानसभा चुनाव में मिली जीत के अपने फॉर्मूले को वे यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव में भी आजमाने की ठानी है। दलित और ब्राह्मण मतदाता को साथ कर मायावती एक बार फिर यह चुनाव जीतने में लगी हैं।